कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आखिर होती क्यों है? इसे लेकर हमारे मन में कितने ही सवाल होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंसर होने के कारण और इन सभी सवालों के जवाब। हमारे शरीर की कोशिकाओं मतलब सेल्स में डीएनए होता है। इस डीएनए की प्रोग्रामिंग से नए सेल्स सामान्य आकार में और सामान्य गति से बनते हैं। लेकिन जब डीएनए के जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब डीएनए के एक हिस्से में खराबी आ जाती है, तो असामान्य प्रकार के सेल्स तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये इकट्ठे होकर कैंसर की गांठ बनाते हैं, जो बिना किसी चेतावनी या लक्षणों के आ सकती है। अब सवाल ये है कि डीएनए में खराबी आई कैसे? इसके मुख्यतः तीन कारण हैं। पहला, हमारे वातावरण या रहन सहन से संबंधित। तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट के रूप में धूम्रपान करने से मुंह और फेफड़े का कैंसर होता है, चाहे कुछ दिन या कुछ साल ये किया गया हो। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में शराब लेने से लिवर और अन्न नली का कैंसर हो सकता है। कुछ विशिष्ट वायरस जैसे HIV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित होने पर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक तेज धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से सीधे संपर्क में आने से त्वचा या स्किन का कैंसर हो सकता है। कुछ रसायनों के संपर्क में आने पर भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ये संपर्क होता है पेंट, कांच, डाई, रबर, प्लास्टिक, कीटनाशक, कोयला, खनन और भवन निर्माण जैसे उद्योगों में बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम करने से, इन उद्योगों से होने वाले हवा के प्रदूषण से, इन उद्योगों की वजह से प्रदूषित नदियों का पानी पीने से, इस पानी से खेतों की सिंचाई करने से और इस प्रदूषित पानी की मछलियों को खाने से, अत्यधिक प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाने से, BPA वाले प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों का लंबे समय तक और गर्म करके उपयोग करने से और कीटनाशक दवाइयों वाले फल सब्जियों को खाने से। इसके अलावा मेडिकल रेडिएशंस जैसे एक्सरे, हार्मोनल दवाइयों को खाने से और न्यूक्लियर रेडिएशंस के संपर्क में आने से भी कैंसर हो सकता है। कुछ लोगों में ये कैंसर के जीन म्यूटेशंस अनुवांशिक होते हैं, जैसे हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम। बच्चों में होने वाला आंखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा कई बार वंशानुगत भी हो सकता है। इनके अलावा भी कई बार कैंसर वाले म्यूटेशंस हो जाते हैं जिनके होने का कारण अभी भी पता नहीं है और इस पर रिसर्च चल रही है। और हाँ, ये कर्मों का फल नहीं है। इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में आपके सवाल और सुझाव हमें जरूर बताएं।